शुभ प्रभात, मैं के शर्मा। देखिए, आपका दिन बहुत शुभ हो। आज आपके दिन की शुभकामनाओं के साथ साथ एक नुकसान की भी मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, जो इस राष्ट्र का नुकसान हुआ है। पूर्व कप्तान हिंदुस्तान की टीम के, जिन्होंने हिंदुस्तान की टीम को जीतना सिखाया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, आदरणीय श्री अजीत वाडेकर साहब 77 साल की आयु में इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। मैं लकी रहा कि उनके साथ में उनका सानिध्य मुझे मिला था। वो ऑल इंडिया स्टेट बैंक टीम के मैनेजर थे और मैं पहले स्टेट बैंक में नौकरी करता था। देखिए, बड़ा चैलेंजिंग था उनके लिए जब वो 1966 में हिंदुस्तान की टीम में आए। बहुत ही ज़्यादा गुणवान खिलाड़ियों से टीम भरी हुई थी, बट हिंदुस्तान की टीम बहुत ज़्यादा जीतती नहीं थी, इवन अपने कंट्री में भी। बट जब उनको कप्तान बनाया गया और वेस्टइंडीज़ में, जहाँ सर गैरी सॉबर्स साहब की कप्तानी में वेस्टइंडीज़ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही थी वर्ल्ड क्रिकेट में, वहाँ पर जब हिंदुस्तान की टीम ने जीत हासिल की अंडर द कैप्टेंसी ऑफ श्री अजीत वाडेकर साहब, तब से हिंदुस्तान की टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना सिक्का जमाना स्टार्ट किया। चलिए, बात आई वेस्टइंडीज़ की, बात आई जहाँ से सुनील गावस्कर साहब का जन्म हुआ एक प्रकार से। क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन था उनका वहाँ। लेकिन बात आई फिर इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती को स्वीकार करते हुए इंग्लैंड को उसके घर में ही मात दी, जो आज इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही है। वहाँ जिस प्रकार से, जिस एटीट्यूड से, जिस तरीके से अजीत वाडेकर साहब की ब्रिलियंट कैप्टेंसी, खुद आगे आकर परफॉर्म करना और टीम को हर एरियाज में मजबूत बनाते हुए जिताना, कमाल के कप्तान थे, कमाल के इंसान थे, कमाल के क्रिकेटर थे, कमाल के कोच थे, कमाल के मैनेजर थे और कमाल के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे। एक व्यक्ति के पास इतने सारे गुण, बैंक में चीफ रीजनल मैनेजर थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिस बैंक में मैं भी जॉब करता था। यशपाल शर्मा साहब मुझे जब लेकर आए थे स्टेट बैंक में, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पद्मश्री, जो हमारा फोर्थ सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो उनको अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्डी थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। जाना सबको है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन करके जा रहे हैं आप इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड क्रिकेट में एज ए क्रिकेटर अगर हम बात करें, या जिस भी फील्ड में आप हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके हाथ में जो भी जॉब है उसको बहुत अच्छे से करें। ये खेलने का काम है, आप खेलना बहुत अच्छे से करें। पढ़ाई का काम है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। अजीत वाडेकर साहब को मेरी श्रद्धांजलि, और दिल से श्रद्धांजलि। उनके दो पुत्र हैं, एक पुत्री है, मेरी उनके लिए दुआएं। थैंक यू वेरी मच।